जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस देखे थे। आज इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस के नियम हम लोग को पढ़ना है। मेंडल जो थे वो डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर एक नियम दिए थे, और उस नियम का नाम है स्वतंत्र अपयूहन का नियम। यह स्वतंत्र अपयूहन का नियम क्या होता है, आज इसी को समझना है। तो हेडिंग डालेंगे स्वतंत्र अपयूहन का, स्वतंत्र अपयूहन अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये द्विसंकर संकरण के आधार पर था। हम लोग लक्षण प्रारूप देखे थे द्विसंकर संकरण के। कैपिटल आर कैपिटल वाई कहने का मतलब गोल और पीला वाले जो संतति थे वो क्या वो थे, नौ। यहाँ पर इसके बाद देखे थे गोल और हरा वाले संतति जो थे वो कितने थे, टोटल तीन थे। नियम समझा रहे हैं, झुरीदार और पीला वाले जो संतति थे, झुरीदार और पीला इनका संख्या भी थ्री तीन था, और झुरीदार और हरा वाले जो संतति थे इनका संख्या कितना था, वन था। टोटल 16 संति जो थे वो उत्पन्न हुए थे। तो वहाँ से द्विसंकर संकरण में जो लक्षण प्रारूप का अनुपात आया था वो 9:3:3:1। हम लोग जनक जो क्रॉस कराने के लिए थे इसमें वो लिए थे गोल और पीला का क्रॉस कराए थे हम लोग झुरीदार और हरा में, झुरीदार और हरा में कराए थे। देखिए तो यहाँ पर गोल और पीला का जब झुंडार और हरा से क्रॉस करना चाहिए तो सबके सब संतति जो है वो कैसे आने चाहिए थे, गोल पीला और झुंडार और हरा, ठीक है ना। क्योंकि जनक ऐसे थे तो संतति भी कैसे होनी चाहिए, गोल पीला और झुंडार और हरा होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। गोल के साथ हरा भी वाला बीज भी उत्पन्न, गोल और हरा बीज भी उत्पन्न हुआ और झुंडार और पीला बीज भी उत्पन्न हुआ। अर्थात कहने का मतलब ये है ये जो गोल और पीला जो लक्षण प्रारूप जो पहले एक साथ थे वो स्थानांतरित होते समय क्या हुए, एक दूसरे से अलग हुए। ये दूसरे से भी क्या हुए, झुरीदार और हरा भी क्या हुए, एक दूसरे से अलग हुए और अलग हो करके अगले पीढ़ी में स्थानांतरित हुए। इस कारण से नए लक्षण प्रारूप क्या हुए, उत्पन्न हुए। तो मेंडल यही कहते हैं इस नियम के अनुसार कि जब दो या दो से अधिक युग्म विकल्पी लक्षणों के वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो जो दोनों लक्षण होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अलग हो करके ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। जब तक गोल से पीला अलग नहीं होता तब तक गोल के साथ हरा नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये गोल से पीला क्या हुआ, अलग हुआ, और इसी कारण गोल किसके साथ कॉम्बिनेशन बना, हरा के साथ, ठीक है। झुरीदार से हरा अलग हुआ तो झुरीदार के साथ किसका कॉम्बिनेशन बना, पीला। तो ये जो नया कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पर ये तब बना है जब ये दोनों लक्षण जो पहले साथ साथ मौजूद थे वो अगले पीढ़ी में जाते समय एक दूसरे से क्या हुए, अलग हुए, और अलग होकर के क्या हुए, स्थानांतरित हुए। तो इस नियम में क्या बोला गया कि जब द्विसंकर या बहुसंकर जब दो या दो से अधिक लक्षणों के वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसमें जो दोनों युग्म विकल्पी लक्षण होते हैं, दोनों विपरीत लक्षण होते हैं, उनका क्या होता है, स्वतंत्र अपयूहन होता है। अर्थात अगले पीढ़ी में जब वो स्थानांतरित होते हैं तो एक दूसरे से अलग होकर के स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, स्थानांतरित होते हैं। तो उसको हम लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ स्वतंत्र अपयूहन का नियम क्या कहता है, तो लिखेंगे द्विसंकर या बहुसंकर क्रॉसों में, द्विसंकर या बहुसंकर क्रॉसों में जहां दो से अधिक युग्म विकल्पी, युग्म का मतलब जोड़ा में उपस्थित विपरीत गुण, युग्म विकल्पी, विकल्पी का मतलब होता है विपरीत गुण, अधिक युग्म विकल्पी लक्षणों के वंशागति, लक्षणों के वंशागति का अध्ययन किया जाता है वहां प्रत्येक प्रत्येक
लक्षण का स्वतंत्र स्वतंत्र अभ्यूहन होता है। अभ्यूहन का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से जो युग्म विकल्पी लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करते हैं, गमन करते हैं। स्वतंत्र अभ्यूहन होता है, अभ्यूहन होता है। ये मेंडल का दूसरा नियम था जो किसके आधार पर दिए थे, पहला नियम था जो डाइहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिए थे। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर कौन सा नियम दिया था कि जहाँ जब हम लोग दो या दो से अधिक लक्षणों के वंशागति का अध्ययन करते हैं तो जब वो दोनों लक्षण जो हैं वो युग्मक बनते समय एक दूसरे से अलग होते हैं और अलग होकर के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। और इसी नियम को क्या बोला गया, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम बोला गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उससे पूछता है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो किससे संबंधित है, तो द्विसंकर संकरण से, या द्विसंकर संकरण के आधार पर मेंडल ने कौन सा नियम दिया था, वो कौन सा नियम आएगा, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। अब इससे संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करिए, उसके बाद क्वेश्चन आपको कराते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है द्विसंकर संकरण के आधार पर, द्विसंकर संकरण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों की प्रायिकता, प्रायिकता का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता प्रायिकता ज्ञात करें, जो भी होता है देख लीजिएगा। द्विसंकर संकरण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों की क्या करें, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें, प्रायिकता ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन होता है ए करके लिखेंगे, ठीक है, या इसी में वन करके लिखेंगे, संतति जो दोनों लक्षणों के लिए क्या होते हैं, समयुग्मजी अवस्था में है, संतति जो दोनों लक्षणों के लिए समयुग्मजी अवस्था में है, समयुग्मजी अवस्था में। दोनों लक्षणों का, दो लक्षण लिए थे गोल और पीला, और दोनों लक्षणों के लिए समयुग्मजी अवस्था क्या होगा, माने कैपिटल आर आर और कैपिटल वाई वाई, ये इस तरह के, ठीक है, समयुग्मजी अवस्था में, या कह सकते हैं कैपिटल आर आर स्मॉल वाई वाई हो, स्मॉल आर आर कैपिटल वाई वाई हो, और स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई, तो ये भी समयुग्मजी है। आर के लिए भी समयुग्मजी अवस्था है, वाई के लिए भी समयुग्मजी अवस्था है, कैपिटल यहाँ पर भी आर के लिए समयुग्मजी अवस्था, वाई के लिए भी समयुग्मजी अवस्था। समयुग्मजी अवस्था का मतलब ये होता है कि दोनों के दोनों एलील जो होंगे वो एक जैसे होंगे, ठीक है ना, चाहे तो दोनों के दोनों कैपिटल होंगे, जैसे आर में दोनों दोनों कैपिटल है, यहाँ पर आर में दोनों दोनों स्मॉल है, वाई में दोनों दोनों कैपिटल है, तो यहाँ पर समयुग्मजी अवस्था है। तो ये टोटल, अब इसको सोल्व करने के लिए हम आपको ट्रिक बताई थी, ये बॉक्स वाला ट्रिक था इसमें, ठीक है। ये बॉक्स वाला ट्रिक में अगर आप देखें तो यहाँ से ये इस तरह से गोल गोल बनाए थे, ठीक है, रेड कलर से पिछले वाले लेक्चर में। और ये जो था, ये चार के चार ऐसे संगति हैं जिसमें जो एलील होते हैं वो कौन सी अवस्था में होते हैं, समयुग्मजी अवस्था में होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा, टोटल कै गो हुए, एक दो तीन चार, इसमें था कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई, इस प्रकार से नीचे था स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई, इसके अंदर भी दो जो थे वो समयुग्मजी अवस्था में थे। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 4:4:16, ठीक है ना, 4/16, इसको काट कुट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट दूसरा जो था, संतति जो दोनों लक्षणों के लिए विषम युग्मजी अवस्था में है। अब देखिए, अभी तो हम लोग समयुग्मजी अवस्था में देख रहे थे कि आर भी दोनों आर एक जैसा, दोनों वाई एक जैसा, अब विषमयुग्मजी कह रहा है। तो विषमयुग्मजी अवस्था का मतलब होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका भी ये अगर आप बॉक्स में ट्रिक देखें तो ये बॉक्स जो है जिससे ये लाइन पास कर रहा है, ये वाला,
ये बॉक्स ये और ये ऐसे बॉक्स हैं टोटल 16 में से 4 जहां पर कैसे जीन प्रारूप मौजूद हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ऐसे संघ की जो दोनों लक्षणों के लिए विषम युग्मजी अवस्था में है उनका संख्या भी कितना होगा, टोटल 4। तो इसका भी प्रोबेबिलिटी जो होगा वो 4/ कितना हो जाएगा, 16। इसके बाद अगर हम लोग देखें थर्ड क्वेश्चन, संतति जो एक के लिए समयुग्मजी एवं दूसरे के लिए विषम युग्मजी अवस्था में है, विषम युग्मजी अवस्था में है। अब एक के लिए समयुग्मजी, तो ये तो था दोनों के लिए समयुग्मजी, ये था दोनों के लिए विषमयुग्मजी। अब कौन कौन बॉक्स बच रहा है, ये बच रहा है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक और होगा यहाँ पर 8। टोटल 8 जो बॉक्स बच रहा है। इसमें कहने का मतलब ये क्या कह रहा है कि एक मान लीजिए समयुग्मजी अवस्था में है तो दूसरा कौन सी अवस्था मान लीजिए विषमयुग्मजी अवस्था में थी। कहने का मतलब अगर R जो है वो दोनों सेम है तो Y जो है वो एक बड़ा एक छोटा होना चाहिए, अगर Y दोनों सेम है तो R वाला जो है वो एक बड़ा और एक छोटा होना चाहिए। तो अगर आप बॉक्स में खोजिएगा जहाँ पर द्विसंकर संकलन पढ़ाए हैं तो उसमें ये बॉक्स ये बॉक्स ये जो बॉक्स जहाँ से ग्रीन वाला लाइन क्रॉस कराए थे वो ऐसे बॉक्स हैं जिनमें एक समयुग्मजी अवस्था में है और एक कौन सी अवस्था में है, विषमयुग्मजी। ऐसे भी कर सकते हैं कि 16 संगति में से 4 दोनों के लिए समयुग्मजी, 4 दोनों के लिए विषमयुग्मजी। तो 8 ऐसे हो गए तो 16 में से 8 घटा दिए तो कितना बचा, 8। और 8 ऐसे संगति होंगे जो एक लक्षण के लिए समयुग्मजी अवस्था में होंगे और दूसरे के लिए कौन सी अवस्था में, विषमयुग्मजी अवस्था में। इनका जो संख्या होगा वो होगा, इनका प्रोबेबिलिटी जो होगा वो होगा 8/16, 8/16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फूड संतति जिनके पास पैतृक लक्षण प्रारूप है, पैतृक लक्षण प्रारूप है। कहने का मतलब ऐसे संति, 16 में से ऐसे संतियों का पता लगाना है जो जो अपने माता पिता के समान या जिनमें जो बीज था वो पेरेंट्स के समान था। पेरेंट्स में जो हम लोग बीज लिए थे, लक्षण प्रारूप लिए थे, वो क्या लिए थे तो उसको यहाँ समझे। पेरेंट्स को जब हम लोग क्रॉस करा रहे थे तो गोल और पीला बीज लिए थे और इसी का क्रॉस कराए थे किससे, झुरीदार और हरा बीज। तो ये दोनों जो हैं वो जनक हैं। तो पता लगाना है कि 16 संति में से कितने ऐसे संति हैं जिनके पास गोल और पीला बीज और झुरीदार और हरा बीज। इसके लिए भी ट्रिक हम आपको बताए हैं लक्षण प्रारूप के अनुपात में, इस प्रकार से करते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई ये जो था वो गोल और पीला था, कैपिटल आर स्मॉल वाई ये था गोल और हरा, इसी प्रकार से स्मॉल आर कैपिटल वाई ये था झुरीदार और पीला, झुरीदार और पीला, और इसी प्रकार से था स्मॉल आर स्मॉल वाई झुरीदार और हरा, और इनमें रेशियो था 9:3:3:1। अब कहता है कि क्या जिनके पास पैतृक लक्षण प्रारूप, पैतृक लक्षण प्रारूप हमारे पास क्या है, गोल और पीला और झुरीदार और हरा। तो ये जो संति हैं 16 गो, ठीक है ना, 16 में से गोल और पीला बीज वाले क्या गो हैं, 9 गो, ठीक है। तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, ठीक है, और झुरीदार और हरा वाला कितना है, तो झुरीदार और हरा वाला कितना है, 1 है। तो टोटल अगर हम लोग इसको करें तो अपने एक कितने ऐसे 16 में से कितने ऐसे संति हैं जो अपने पेरेंट्स के लक्षण प्रारूप वाले हैं, तो टोटल है 9 और 1 10। तो 16 में से टोटल 10 ऐसे संति हैं जिनके पास अपने पेरेंट्स किसी न किसी पेरेंट्स से क्या है, सिमिलर है, उनके जैसा लक्षण प्रारूप है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो टोटल कितना होगा, 10/16 होगा। तो इस क्वेश्चन को आप पहले क्या करिए, नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संतति जिनके पास पूर्ण योग या पूर्ण योजित लक्षण प्रारूप है,
नियोजित अगति टोटल 16 संति थे। सो 16 संति में से 10 जो थे वो जनक के समान थे, उनके पास जनक के समान लक्षण प्रारूप था। तो 16 में से 6 ऐसे संत थे, देखिए गोल और हरा, गोल और हरा जो है ठीक है, अगर इसको देखें तो किसी संति से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये गोल और पीला था और ये संति, ये जनक कैसा, ये अगर संति को देखे तो ये जनक से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये गोल और पीला है और ये कैसा है, गोल और हरा। ये झुरदार और हरा है, ये कैसा है, गोल और हरा है, ठीक है। तो ये जो तीन है ये कैसे होंगे पूर्ण योजित, इसमें देखिए तो झुरदार और पीला है, क्या इसमें झुरदार और पीला आपको दिखाई दे रहा है, नहीं। तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, कहने का मतलब ये एक नया कॉम्बिनेशन है। तो नया कॉम्बिनेशन यहाँ पर कितने हो गए टोटल, गोल और हरा वाला हो गया, तो और ये झुरदार और हरा, झुरदार और पीला। कहने का मतलब है कि पूर्ण योजित का मतलब होता है कि ऐसे संते जिनका लक्षण प्रारूप किसी भी पेरेंट से मैच नहीं कर रहा है, वो एकदम क्या है, नए हैं। तो गोल और हरा बीज वाले संति यहाँ पर हैं और झुरदार और पीला बीज वाले, क्यों इनको पूर्ण योजित कर रहे हैं, क्योंकि गोल और हरा इसी में से, गोल और पीला है, झुरदार और हरा है। तो ये गोल और हरा बीज वाला संति यहाँ पर नहीं है। तो ये टोटल कितने हो गए, टोटल पूर्ण योजित 6 हो गए। यहाँ पर लिख सकते हैं इसका प्रायिकता जो होगा वो 6/10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 10 हम लोग निकाल लिए थे जो अपने जनक के समान थे, तो 6 ऐसे बच रहे होंगे जो जनक से बिल्कुल क्या होंगे, भिन्न होंगे। और जो जनक से भिन्न होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण योजित लक्षण प्रारूप बोलते हैं। नेक्स्ट आता है संतति जिनके पास F1 पीढ़ी के समान, F1 पीढ़ी के समान लक्षण प्रारूप है, F1 पीढ़ी के समान लक्षण प्रारूप है। अब F1 पीढ़ी तो इनके बीच में क्रॉस करा के लिखे थे हम लोग, गोल और पीला के बीच में क्रॉस कराए थे, ठीक है। तो यहाँ से लिए थे कैपिटल RR कैपिटल YY, यहाँ लिए थे स्मॉल RR स्मॉल YY, जब इनके बीच में क्रॉस कराए थे F1 पीढ़ी में जो संति उत्पन्न हुआ था वो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। और ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है ये कैसा होता है, इसका लक्षण प्रारूप तो ये होता है गोल और पीला। तो ये F1 पीढ़ी है। अब कह रहा है कि 16 संति में से कितने ऐसे संति हैं जिनके पास गोल और पीला अर्थात F1 पीढ़ी जैसा लक्षण प्रारूप है। गोल और पीला बीज वाला 16 में से कितने हैं, तो अभी इस ट्रिक में ही देखिए आपको मालूम चलेगा। तो टोटल 16 संति का लक्षण प्रारूप लिखा हुआ है और इसमें गोल और पीला वाले कितने बचे हुए हैं, 9 बचे हुए हैं। तो यहाँ पर गोल और पीला वाला का जो प्रायिकता होगा वो होगा कितना, 9/16। इसके बाद नेक्स्ट आगे हम लोग देखें सेवन नंबर, जिन संति जिनके पास संतति जिनके पास पैतृक जीन प्रारूप है, जीन प्रारूप पैतृक, पैतृक जीन प्रारूप का मतलब है कि 16 संति में से कितने ऐसे संति पैतृक में हम क्रॉस कराने के लिए क्या लिए थे जीन प्रारूप, तो कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई का क्रॉस स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई। ये बॉक्स जो हम बनाए थे क्रॉस कराते समय उसमें से खोजना है आपको ये जो 16 संति उत्पन्न हुए हैं इन 16 संति में से कितने ऐसे संति हैं जिनके पास कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई और स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई जीन प्रारूप है। तो अगर आप बॉक्स में देखिएगा तो एक यहाँ पर मिलेगा कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई और एक सबसे नीचे कॉर्नर मिलेगा स्मॉल आर आर स्मॉल वाई, बाकी इन इन दोनों को छोड़ करके बाकी सब के सब जितने भी जीन प्रारूप इस बॉक्स में भरे हुए होंगे वो सब के सब क्या होंगे, अलग होंगे। अब जनक के समान कितने हुए टोटल 16 में से, 2, ठीक है ना। कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई मैच कर रहा है और स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई मैच कर रहा है। तो यहाँ पर जनकीय जो जीन प्रारूप हुआ 16 में से वो कितना के पास हुआ, 2 के पास। इसको लिख सकते हैं इसका जो रेशियो आएगा कितना आएगा, 2/16 आएगा। अब नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 8, संतति जिनके पास पूर्ण योजित जीन प्रारूप है,
नियोजित जीन प्रारूप, अब दो टोटल पैतृक जीन प्रारूप वाले कितने थे? 216 में से दो जो थे वो पैतृक जीन प्रारूप वाले थे, उनके जीन प्रारूप जो था वो जनक के समान मैच कर रहा था, तो बाकी कितने बच गए? 14 बच गए इस सब बॉक्स में। और ये सब बॉक्स में जो जीन प्रारूप आया है वो सब का सब कैसा आया है? नया कॉम्बिनेशन आया है। और इनकी संख्या जो होगा वो टोटल कितना होगा? 16 में से इस दो को माइनस कर दिए, पैतृक जीन प्रारूप को हटा दीजिए, तो पैतृक जीन प्रारूप को हटाते तो बचता है कितना? 14। और वो जो 14 होंगे वो सब के सब कैसे होंगे? नया कॉम्बिनेशन होगा, पूर्ण योजित होगा। इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 14/16 होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा पैतृक एवं पूर्णयोजित लक्षण प्रारूप वाले संततियों का अनुपात। अनुपात अब ये कह रहा है कि पैतृक, तो पैतृक लक्षण प्रारूप कितना आया था? अपने जनक के समान थे, गोल और पीला जुड़ा हरा वाले 10 वो थे, ठीक है। और पूर्ण योजित वाला 16 में से 10 को माइनस करें कितना हो गया? 6। तो ये दोनों का अनुपात पूछा है, तो पैतृक लक्षण प्रारूप जो था वो कितना था? टोटल 10 था, और पूर्ण योजित कितना है? 10 को हटा देंगे तो कितना बचेगा? 6। तो यहाँ पर लक्षण पैतृक एवं पूर्ण योजित लक्षण प्रारूप का संतियों का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 10/6। ये हम पहले निकाल चुके हैं, पैतृक लक्षण प्रारूप का अनुपात निकाल चुके हैं और पूर्ण योजित लक्षण प्रारूप का अनुपात निकाल चुके हैं, तो उसी को क्या कर देना है? कर देना है, देखिए 6 यहाँ पर निकाला हुआ होगा। देखिए पूर्ण योजित लक्षण प्रारूप, तो पूर्ण योजित लक्षण प्रारूप कितना है? 6 है। और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग पैतृक लक्षण प्रारूप निकाल चुके हैं, वहां पर 10 आया था, टोटल इसका रेशियो जो होगा वो कितना होगा? अनुपात कितना होगा? 10/6 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आएगा पैतृक एवं पूर्ण योजित जीन प्रारूप वाले संततियों का अनुपात। अब देखिए तो पैतृक जीन प्रारूप, पैतृक जीन प्रारूप इसमें होगा संततियों के पास पैतृक जीन प्रारूप है, तो पैतृक जीन प्रारूप वाले कितने हैं? टोटल 2 हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे 2 लिख देते हैं। पूर्ण योजित जीन प्रारूप, संति जिनके पास पूर्ण योजित जीन प्रारूप है वो कितने? टोटल 14। तो यहाँ पर 14, तो इनका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 2/14 हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चन हैं, इसको क्या करना है? सोल्व करने का प्रयास करना है, ठीक है, बार बार समझने का कोशिश करना है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्रॉस त्रिशंकर संकरण। नेक्स्ट आता है क्रॉस त्रिशंकर संकरण। त्रिशंकर संकरण का मतलब होता है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग पढ़ चुके हैं, एक संकर संकरण बताया था कि जब एक बार में एक लक्षण के वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसको एक संकर संकरण कहते हैं, जब एक बार में दो लक्षण के वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसको द्विसंकर संकरण बोले थे, और जब एक बार में तीन लक्षणों के वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिशंकर संकरण बोलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ये त्रिशंकर संकरण है, इसमें लिखेंगे कि जब एक बार में तीन लक्षणों के वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे त्रिशंकर संकरण कहते हैं, त्रिशंकर संकरण कहते है। सिंपल से है कि जब एक बार में तीन लक्षणों के वंशागति का अध्ययन किया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिशंकर संकरण कहेंगे। और त्रिशंकर संकरण के लिए मेंडल जो थे वो कौन कौन से लक्षण लिए थे? उन्होंने लिया था लंबाई, पौधा का लंबाई,
और पौधा का लंबाई जो होता है, इसके दो लक्षण होते हैं, वैकल्पिक लक्षण, एक होता है लंबा और दूसरा होता है बौना। हम लोग एक संकर संग्रह में पढ़ चुके हैं। अब लंबा जो है वो प्रभावी गुण है, तो इसके लिए जो जीन प्रारूप रखते हैं वो कैपिटल टी रखते हैं, और बौना जो होता है वो अप्रभावी होता है, इसलिए हम लोग इसको के लिए कौन सा रखेंगे, अस्मॉल टी रखेंगे। इसी प्रकार से उन्होंने लिया था बीज का आकार या आकृति कह सकते हैं। इसमें भी उन्होंने दो लक्षण वैकल्पिक लक्षण का प्रयोग किया था, एक था गोल और दूसरा था झुर्रीदार। तो गोल के लिए उन्होंने लिया था कैपिटल आर और झुर्रीदार जो है वो अप्रभावी होता है, इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर। तीसरा जो लक्षण लिया था उन्होंने क्रॉस कराने के लिए, वो बीज का रंग लिया था, बीज का रंग, और बीज के रंग में भी दो वैकल्पिक लक्षण, पीला बीज जो होता है वो प्रभावी होता है और हरा जो होता है वो कैसा होता है, अप्रभावी। तो पीला के लिए जो लक्षण प्रारूप लिया था, सॉरी जीन प्रारूप जो लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, कैपिटल वाई, और हरा के लिए अस्मॉल वाई। तो ये तीन लक्षणों के वंशागति का जब अध्ययन हम साथ साथ करते हैं तो ऐसे संकर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिसंकर संकर। अब इनका क्रॉस कराने के लिए तीनों जो प्रभावी लक्षण थे उनको एक तरफ और तीनों अप्रभावी लक्षण को क्या किया था उन्होंने, एक तरफ रखा था, एक तरफ इधर लंबा लंबा गोल और कौन सा है पीला, ये तीन का क्रॉस लक्षण का क्रॉस दर्ज कराया था, बौना झुर्रीदार और हरा। अब गोल लंबा के लिए कैपिटल टी, गोल के लिए कैपिटल आर, और पीला के लिए कैपिटल वाई जी प्रारूप लिखेंगे। इधर बौना से शुरू किए हैं, इससे अस्मॉल टी होगा, झुर्रीदार के लिए अस्मॉल आर हो जाएगा, और हरा के लिए क्या हो जाएगा, अस्मॉल वाई हो जाएगा, अस्मॉल आर अस्मॉल वाई। अब जब क्रॉस कराना है तो आप बता दें कि जो समयुग्मजीय अवस्था होता है उसमें से एक एक लिख लेते हैं, तो कैपिटल टी इधर से आएगा, इधर से अस कैपिटल आर आएगा, और इधर से कौन आएगा, कैपिटल वाई। तो इधर से टी आर वाई, कैपिटल टी कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाला युग्मक बनेगा, इधर से जो युग्मक बनेगा वो अस्मॉल टी अस्मॉल आर अस्मॉल वाई वाला युग्मक बनेगा। इस प्रकार से अब इनके बीच में हम लोग क्रॉस कराएंगे तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, कैपिटल टी इधर से स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर से कैपिटल आर, इधर से कौन आएगा स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर से कैपिटल वाई, और उधर से कौन आएगा स्मॉल वाई। ये जो दो जनकों के क्रॉस से उत्पन्न होने वाला पहला पीढ़ी होता है, इस पहले पीढ़ी को क्या बोलते हैं, F1 पीढ़ी बोलते हैं। हम आपको बताए थे कि मेंडल के क्रॉस में सिर्फ कैपिटल अक्षर वाले जो होते हैं उनका ही लक्षण दिखाई देता है, ठीक है, और जो स्मॉल लेटर वाले होते हैं उनका लक्षण दिखाई नहीं देता है, और इसीलिए इनका लक्षण कैपिटल वाले का लक्षण दिखाई देता है, इसलिए इनको प्रभावी लक्षण बोलते हैं, और जो स्मॉल वाले होते हैं उनका लक्षण दिखाई नहीं देता है, उनको क्या बोलते हैं, अप्रभावी लक्षण बोलते हैं। यहाँ पर कैपिटल टी किसको नियंत्रित कर रहा था, तो लंबा को। तो यहाँ पर अगर हम इस F1 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अगर देखें तो टी कैपिटल टी है तो यहाँ पर इसको नियंत्रित करेगा लंबा, कैपिटल आर है तो गोल, और कैपिटल वाई है तो किसका, पीला का नियंत्रण करे। तो कहने का मतलब त्रिसंकर संकर का जो F1 पीढ़ी आया उसके अंतर्गत जो संति है वो कैसे लक्षण प्रारूप वाले हुए, लंबा गोल और पीला लक्षण प्रारूप वाले संति उत्पन्न हुए। इसके बाद हम लोग क्या कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं, और सेल्फिंग कराने के लिए हम लोग क्या कराएंगे, एक युग्मक का निर्माण करते हैं। तो युग्मक अगर हम इसको बनाए तो यहाँ पर देखिए विषमयुग्मजीय अवस्था निकालते हैं पहले, तो एक स्मॉल टी कैपिटल टी, तो एक एन हो, एन का वैल्यू यहाँ पर एक, एन का वैल्यू दो, और एन का वैल्यू कितना हो गया, तीन। तो जब हम लोग एन का वैल्यू तीन रखेंगे 2 के पावर 3 तो टोटल युग्मक कितना बनेगा, 8। तो 8 युग्मक बनेगा इस साइड, और 8 ही युग्मक रखेंगे उस साइड, तो 8 में 8 से क्रॉस कराएंगे, टोटल कितने संति यहाँ पर उत्पन्न होंगे, 64 संति उत्पन्न होंगे, जो यहाँ पर बोर्ड पर कराना संभव नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। सेल्फिंग करने के बाद 8 युग्मक इधर बनेगा और उसी 8 युग्मक का क्रॉस करा देंगे, ठीक है ना, उधर से, तो टोटल संति जो बनेंगे वो कितना बनेंगे, 64 संति। और ये जो 64 संति बनेंगे वो कौन से पीढ़ी में बनेंगे,
F2 पीढ़ी में कब, जब हम लोग F1 पीढ़ी में उत्पन्न होने वाले संति का क्या करा देंगे, सेल्फिंग करा देंगे, करने का मतलब इसी जीन प्रारूप वाले दूसरे जो पौधा है उनके बीच में क्रॉस कराएंगे, तो टोटल जो संति उत्पन्न होगा वो 64 उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे लक्षण जीन प्रारूप वाले जो जनक होते हैं उनमें कितने प्रकार का युग्मक बनेगा, 8 प्रकार का, तो इधर से 8 प्रकार का युग्मक बनेगा, इधर से भी 8 प्रकार का युग्मक बनेगा, तो टोटल कितने प्रकार के संति उत्पन्न होंगे, 64 प्रकार के, 64 टाइप्स के संति उत्पन्न होंगे। अब यहाँ पर इसको ऐसे ही नोट कर लेना है, तो फिर आप इसको नोट करिए, इसके बाद इसका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप देखते हैं। तो त्रिशंकर संगम का जो लक्षण प्रारूप का अनुपात आता है, लक्षण प्रारूप का अनुपात, तो उसको निकालने का सीधा तरीका हम आपको एक ट्रिक बताए थे कि एक संकर संतुलन का आपको मालूम है 3:1 ठीक होता है, अगर इसको आप दो बार मल्टीप्लाई कर देते हैं 3:1 को, तो इसलिए किसका निकल जाता है, द्विसंकर संतुलन का निकल जाएगा, कितना, 9:3:3:1 निकल जाएगा। तो ये जो आया वो किसका आया, द्विसंकर संतुलन का, और इस द्विसंकर संतुलन में 3:1 से एक बार और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो किसका जाएगा, त्रिशंकर संतुलन का। त्रिशंकर संतुलन का यहाँ से जो फिनोटाइपिक रेशियो आता है वो कितना आता है, 3 से 9 में गुना करेंगे तो 20, यहाँ पर लिख देते हैं 3:1 का किसमें मल्टीप्लाई करना है, 9:3:1 में। ये जो है उसको आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, एग्जाम में सीधे से क्या लिखाएगा, रिजल्ट लिखाएगा, तो रिजल्ट यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ से तो 3 से 9 में गुना करेंगे तो 27 जाएगा, 3 से 3 में गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 9, फिर 3 से 3 में करेंगे तो 9 जाएगा, फिर 3 से 1 में करेंगे तो कितना जाएगा, 3। अब इसके बाद 1 से करना, तो 1 से 9 में करेंगे 9 जाएगा, 1 से 3 में करेंगे तो 3 जाएगा, 1 से 3 में करेंगे 3, और 1 से 1 में करेंगे तो कितना जाएगा, 1। यहाँ पर एक संकर संकरण का जो लक्षण, सॉरी त्रिशंकर संकरण का जो लक्षण प्रारूप का रेशियो आता है वो कितना आता है, 27:9:9:3:9:3:1 आता है। इसी प्रकार से इसका जीन प्रारूप भी निकाल सकते हैं, जीन प्रारूप का अनुपात, जीन प्रारूप का अनुपात। अब एक संकर संकरण का जो जीन प्रारूप का अनुपात होता है वो कितना होता है, 1:2:1 होता है। इसी को एक बार और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो द्विसंकर संकरण का निकल जाएगा 1:2:1। अब इसको हम लोग निकाल, ये एक संकर संकरण का है, एक संकर संकरण का दो बार मल्टीप्लाई करेंगे जिन प्रारूप के अनुपात, उससे किसका निकलता है, द्विसंकर संकरण का। तो यहाँ से देखेंगे तो आया कितना, 1:2:1:2:4:2:1:2:1। ये जो आया ये द्विसंकर संकरण का जिन प्रारूप का अनुपात आया, और इसको एक बार और 1:2:1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे किसका निकल जाएगा, त्रिशंकर संकरण का। फर्क के देखते हैं तो 1:2:1 को मल्टीप्लाई करना है, 1:2:1:2:4:2:1:2:1 इसमें मल्टीप्लाई करना है।